स्ट्रीट बस न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सा। फरुखाबाद में स्वामी रामानंद बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधन के खिलाफ दो शिक्षिकाओं ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों शिक्षिकाओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कानपुर मंडल आयुक्त को प्रबंधक द्वारा की जा रही मनमानियों के खिलाफ शिकायत पत्र दिया। मंडल आयुक्त ने दोनों शिक्षिकाओं को प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया है। पीड़ित शिक्षिकाओं की बात को मंडल आयुक्त ने गंभीरता से सुना। कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रीति चतुर्वेदी ने कानपुर के मंडल आयुक्त को वेतन का भुगतान न किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने मंडल आयुक्त को बताया, कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थी, उन्हें 21 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद से अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन का भुगतान कराए जाने की मांग की। मंडल आयुक्त ने शिक्षिका की बात को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। इसी तरह कॉलेज की प्रवक्ता शीतल, जो अर्थशास्त्र पढ़ाती हैं, ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर कानपुर मंडल आयुक्त को स्वामी रामानंद बालिका इंटर कॉलेज प्रबंधक एवं मंत्री विनित अग्निहोत्री के खिलाफ शिकायत दिया। कमिश्नर को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि प्रबंधक ने अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में 19 अक्टूबर 2022 के प्रस्ताव पास कर प्रवक्ता के पद से उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया। साथ ही कई आरोप लगाए जो बेबुनियाद है। शिक्षिकाओं का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन मनमानी कर रहे हैं। इसके लिए मामले की गंभीरता से जांच हो और उसके बाद कार्रवाई की जाए। मुझको 6 महीने से निलंबित किया गया है झूठे आरोप लगा के। क्या नाम है आपका? प्रीति चतुर्वेदी, स्वामी रामानंद गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य। क्या आरोप? यही कि रिश्वत वो लेती हैं बच्चों से, अवैध वसूली करती हैं, उच्च अधिकारियों के मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाती हैं। कितना समय हो गया निलंबित? 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं। सारे अधिकारियों को मैंने सूचना दे दी है। 6 महीने से जगह जगह हर जगह भटक चुकी हूँ, कोई हमको न्याय नहीं मिल रहा है। आखिरी में मुझको मजबूर होके हाई कोर्ट जाना पड़ा, उसमें भी समय। अधिकारी तो जांच सब डब्बे में चली जाती, कोई जांच नहीं हो रही है। तो आज आप क्या करेंगे? आज मैं कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन देने आई हूँ। कोई तो हमारी कुछ ये आपके साथ ही हुआ है या अभी टीचर साहब के साथ? हमारी दो एक दूसरी टीचर है, आज प्रवक्ता शीतल मैडम, उनको भी निलंबित कर दिया गया। झूठे आरोप जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं वही उनके ऊपर लगा दिए। शीतल है, रामानंद बालिका इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पे हूँ और विद्यालय में मुझे 21 अप्रैल को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का चार्ज मिला और प्रबंधक के द्वारा हमारे साइन प्रमाणित नहीं करवाए गए और उसके बाद मैं सीसीएल पे चली गई और सीसीएल में भी इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे गलत तरीके से काम, मुझे सीसीएल दी गई और उसको आधार बना करके दूसरी टीचर के साइन प्रमाणित कर दिए गए। जब मैं वापस लौटी सीसीएल से। कब लौटे थे आप वापस? जी, मैं लौटी हूँ 16 अगस्त। तो हमारे जो जूनियर जो प्राइमरी से प्रमोटेड टीचर हैं उनको उन्होंने कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना दिया और जब मैंने इसके बारे में जानकारी की कि आपने ऐसा क्यों किया तो काफ़ी उन्होंने अनर्गल आरोप मेरे ऊपर ठोक दिए कि आपके द्वारा अनुशासनहीनता की गई है और जबकि उनके द्वारा खुद मतलब प्रिंसिपल रूम में उनके द्वारा स्वयं और उनके जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने घेर करके और मुझसे बदतमीजी से बात की और मुझसे मतलब धमकाया भी, काफ़ी कुछ छोटी छोटी बातें कहीं और उसके बाद मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाए जिसका मैंने स्पष्टीकरण भी दिया। मैंने हर स्तर पर मतलब डीएम, डीआईएस और शिक्षा मंत्री और जेडी साहब को मतलब हर लेवल पे अपनी सूचना पहुंचाई। कोई जवाब नहीं मिला? नहीं, डीआईएस की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। डीआईएस साहब ने 2 बार मेरे साइन प्रमाणित होने के लिए आदेश दिया प्रबंधक साहब के पास, तो उन्होंने मतलब कोई कार्रवाई नहीं की। और डीआईएस जी विनीत अग्निहोत्री और डीआईएस साहब ने 2 बार आदेश भेजा मेरे साइन प्रमाणित करने के लिए, प्रबंधक जी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बाद आज 21 अक्टूबर को मुझे सस्पेंशन लेटर उन्होंने दे दिया। आपको पहले से नहीं मालूम था आपको सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया? नहीं नहीं नहीं, देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।